हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। अपनी करंट अफेयर की क्लास आज अपन करते हैं। ये देखिए आप, ईओ और आरओ की टोटल अपनी जो मैराथन है, पूरा सिलेबस है वो यूट्यूब पे चल रहा है। हिस्ट्री की आपकी पॉलिटी की क्लासेज है वो ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। सेकंड पार्ट भी अभी स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ईओ आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट हो रही है? 19 फरवरी से ही। आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो ये टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो, 19 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। और अगर आपको क्लासेज चाहिए तो वो पूरा सिलेबस अपना यूट्यूब पे चल रहा है, तो कंटिन्यू आप क्लासेज वहाँ देख सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल अपना क्या है कि जो सेंट्रल बजट आया, केंद्रीय बजट 2023-24 का जो आया है, उसके अनुसार भारत सरकार ने निम्न में से कब तक जो सिकल सेल एक एनीमिया रोग है उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। वो लक्ष्य कब तक का है कि इस एनीमिया को हम खत्म कर देंगे? 2025, 2030, 2035 या 2047। तो ये लक्ष्य रखा है बजट में। अभी हाल ही में सरकार के अंदर सरकार ने बोला है कि 2047 तक हम जो सिकल सेल एनीमिया है उसको ख़त्म कर देंगे। ये एक तरीके की जेनेटिक बीमारी होती है और 2047 तक इसको ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय जो नया बजट आया है 23-24 का, उसमें ख़त्म करने का 2047 तक का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए ये बोला है कि एक मिशन की शुरुआत की जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट सवाल है वर्ल्ड वेटलैंड डे। बार बार बताती हूँ, बहुत बार सवाल भी आता है, तो फिर से देख लेते हैं। अभी फरवरी चल रहा है तो फरवरी में वेटलैंड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च या 15 जून? तो इसका राइट आंसर होगा अपना 2 फरवरी। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, क्लियर। अब देख लेते हैं वेटलैंड के बारे में कुछ। वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि, ठीक है। तो विश्व प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1971 में एक को इसी दिन यानी 2 फरवरी को कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था 1971 को, ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर, क्लियर। वर्तमान में 1971 में हुआ था, तो ये ध्यान में रखना। कई बार ये भी आता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कभी कभार ये भी कि ये इस वर्ल्ड वेटलैंड डे है, इसको मनाने की शुरुआत है वो कब से हुई थी? तो मतलब जो कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड पे, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, ईरान के शहर रामसर में हुआ था। वर्तमान में भारत में अगर देखें तो कुल कितने? 75 वेटलैंड्स है, याद रखना। आज की डेट तक है 75 जो रामसर साइट्स में शामिल है। मैंने आपको बताया ना, जो कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड था 1971 में, कब हुआ था वो, कहाँ हुआ था वो? रामसर में हुआ था। तो इसी वजह से रामसर साइट्स इसको बोलते हैं। जो भी वेटलैंड्स इस इंटरनेशनल कन्वेंशन में शामिल होती है उसको क्या बोलते हैं? रामसर साइट्स बोलते हैं। और भारत की कितनी है? 75, है ना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 जो है उसकी थीम क्या रखेगी? इट्स टाइम फॉर, ये इसकी थीम है, क्लियर। ये था वेटलैंड के बारे में कि वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कब मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही में केंद्रीय बजट आया, उसमें घोषित है एक मिष्टी पहल, ठीक है, MISTI। तो मिष्टी पहल है MISTI। तो इसका संबंध किससे है मिष्टी पहल का? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, मैंग्रोव पहल है एक तरीके की, या आर्द्रभूमि पहल है, या कार्बन कटौती पहल है? तो ये मिष्टी पहल है, इसका संबंध है मैंग्रोव से। मैंग्रोव के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने जो अभी हाल ही में केंद्रीय बजट आया है उसमें एक पहल, नई पहल शुरुआत की है, उसका नाम है मिष्टी पहल। इसका फुल फॉर्म देखे तो देखो 22-23-24 में जो समुद्र तट के किनारे वृक्षारोपण के लिए मिष्टी MISTI, एम मतलब मैंग्रोव, आई इनिशिएटिव, फोर जो शोर लाइन, एच का मतलब हैबिटेट एंड टी का मतलब टेंजिबल्स इनकम, ये मिष्टी पहल है। तो जो समुद्र तट के किनारे कौन से वृक्ष होते हैं? मैंग्रोव, है ना। तो उन समुद्र तट के किनारे वृक्षारोपण के लिए जो पहल है वो है अपनी मिष्टी पहल। भारत वनस्थिति रिपोर्ट 2021 की देखें, ये डाटा क्या बता रही है हमको कि भारत का कुल मैंग्रोव कवर क्षेत्र है वो है 4,992 वर्ग किलोमीटर। ये आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है।
अभी की रिपोर्ट है 2021 की, तो ये कोई पूछ ले आपसे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है जो मैंग्रोव क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र पूछ ले जब तो है 4,992 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत पूछ ले तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का खाली 0.15% है वो मैंग्रोव है। ठीक है, मैंग्रोव कवर और मैंग्रोव जो प्रतिशत है वो इतना है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए अभी मिष्टि पहले उसकी शुरुआत की है केंद्रीय बजट 2023-24 में। क्लियर। अगला सवाल है यायात्सो झील, एक झील है यायात्सो झील, अभी चर्चा में रही थी, तो निम्न में से कहाँ स्थित है ये यायात्सो झील, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या लद्दाख। तो ये यायात्सो झील है, ये लद्दाख में स्थित है, और हाल ही में जैव विविधता अधिनियम है उसके तहत इसे लद्दाख का पहला जैव विविधता जो विरासत स्थल है वो घोषित किया गया है। तो आपसे ये भी पूछ ले कि लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल निम्न में कौन सा है, तो वो होगी यायात्सो झील, कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में, ध्यान में रखना। क्लियर। हाल ही में स्कल्पचर पार्क स्थापित किया गया है, तो ये स्कल्पचर पार्क है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है ये पूछ रहा है, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली में बीकानेर हाउस है, वहाँ पर एक स्कल्पचर पार्क अभी स्थापित किया गया है। और ये बीकानेर हाउस क्यों स्थित है, राजस्थान की जो कला है, संस्कृति है, विरासत है, उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना उनको या उसके बारे में बताना, इसके लिए बीकानेर हाउस स्थापित किया गया नई दिल्ली में। अभी हाल ही में यहीं पर बीकानेर हाउस में एक स्कल्पचर पार्क है वो स्थापित किया गया है। बेनेश्वर मेले का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है, बेनेश्वर मेला अभी चल रहा है तो चर्चा में है, तो ध्यान में रखना जरूरी है, कहाँ किया जाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा अपना डूंगरपुर मेला, बेनेश्वर मेला डूंगरपुर में। बताती हूँ ना, आदिवासियों का कुंभ है जो, है ना, माही नदी के किनारे, सोम, माही, जखम, तीनों नदियों के जो संगम स्थल है, किनारा है, उस पर ये मेला बढ़ता है, कब, माघ पूर्णिमा को। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बेनेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, डूंगरपुर में। अब भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो ये सवाल भी आता है कि भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे, निम्न में किस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, कौन सा विभाग इस आर्थिक सर्वे को तैयार करता है, राजस्व विभाग, वित्त विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग या कॉरपोरेट विभाग। तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक मामलों का जो विभाग है वो इकोनॉमिक सर्वे, जो आर्थिक सर्वे वो तैयार करता है, ये आर्थिक मामलों का विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, और वित्त मंत्री द्वारा बाद में इसको आर्थिक सर्वे उसको अनुमोदित किया जाता है। क्लियर। तो ये ध्यान में रखना, आर्थिक मामलों का विभाग है वो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। अगला सवाल क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में है, कि इन देखना है स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से सही है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है, यह एक संवैधानिक निकाय है, नहीं संवैधानिक नहीं, एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपना हो गया गलत, है ना, एक्ट के थ्रू बनाई है, इसकी स्थापना 1992 को हुई थी। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। तो इसमें कौन सा सही है, खाली स्टेटमेंट अपना दो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो केवल एक, नहीं ये तो गलत हो गया, केवल दो, यस अपना दो स्टेटमेंट है, जो टू है वो सही है। तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी स्थापना की गई थी। ये देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत नेशनल जो वुमेन है कमीशन है उसको जनवरी 92 में एक वैधानिक निकाय के रूप में, क्योंकि ये देखो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया था 90 का, उसके तहत जनवरी 92 में जो वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी स्थापना की गई थी। प्रथम आयोग का गठन 31 जनवरी 92 को हुआ था, और श्रीमती जयंती पटनायक थी वो इनकी पहली अध्यक्ष थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष भी पूछ ले कोई, तो श्रीमती जयंती पटनायक थी। वर्तमान में कौन है ये आप न्यूज़पेपर में या करंट में देखना, 31 जनवरी 92 को, ना शायद रेखा शर्मा जी है, ध्यान देना आप उसको, अभी देखना क्लास खत्म होने के बाद कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग है उनकी अध्यक्ष कौन है। तो एक वैधानिक निकाय 90 के अधिनियम के तहत गठित हुआ, और 92 में इसकी स्थापना की गई, श्रीमती जयंती पटनायक को इसकी पहली अध्यक्ष बनाया गया। अगला है प्रोजेक्ट एलोरा, अभी चर्चा में रहा था प्रोजेक्ट एलोरा, इसका संबंध निम्न में किससे है, प्रोजेक्ट एलोरा का,
दुर्लभ भारतीय भाषाओं की जानकारी ऑनलाइन करना, ओके, प्राचीन सांस्कृतिक स्थलों उनको संरक्षण देना, या प्राचीन इतिहास पर शोध अनुसंधान को बढ़ावा देना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध इससे है कि जो दुर्लभ भारतीय भाषा है उनकी जानकारी ऑनलाइन करना, इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया है भारत सरकार ने, जिसका नाम उन्होंने दिया है प्रोजेक्ट एलोरा, और ये एक माइक्रोसॉफ्ट है उसकी पहल है। क्लियर? तो माइक्रोसॉफ्ट की पहल है प्रोजेक्ट एलोरा, जिसके तहत भारत की जो भी दुर्लभ भारतीय भाषा है उन सब की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला सवाल है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन चर्चा में रहा था, उसका नाम परिवर्तित हुआ था, तो अब देखते हैं मुगल गार्डन के बारे में। मुगल गार्डन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कौन सा कथन उपयुक्त में से सही है। इसे एडविन लुटियान द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है, एडविन लुटियान थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था मुगल गार्डन को, जो नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसका नाम अमृत उद्यान किया गया है, ओके। तो उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है? तो दोनों ही सही है, एडविन लुटियान ने इस अमृत जो मुगल गार्डन है उसको डिजाइन किया था, और वर्तमान में सरकार ने इसका नाम क्या परिवर्तित किया, अमृत उद्यान किया है। तो उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? तो दोनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, यानी एक और दो दोनों कथन सही है। क्लियर? अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? पर्यटन क्षेत्र से, पर्यावरण से, संस्कृति से, या साहित्य से? तो इसका राइट आंसर होगा अमृत धरोहर योजना केंद्र सरकार की योजना है, और ये पर्यावरण से संबंधित योजना है। इसके तहत जो अभी पढ़ा ना हमने आर्द्र भूमि वेटलैंड्स, तो इस अमृत धरोहर योजना के तहत आर्द्र भूमि जो भी है उसको संरक्षण किया जाएगा, ठीक है, जो रामसर साइट के तहत है या और भी जो वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार की यानी केंद्र सरकार की योजना है, जिसका नाम है अमृत धरोहर योजना। क्लियर? हाल ही में राजस्थान की कितनी विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया? 3। हो गया ये तो पद्मश्री अवार्ड, ये लास्ट क्लास में भी हम इसको डिस्कशन कर चुके थे, तो ये आप देख लेना, वहां से 3 को दिया गया। वैसे टोटल विभूतियां थी 4, जिसमें 2 को संयुक्त रूप से दिया गया था, ठीक है। तो इसमें से अगर आपका दे रखा है 3 ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर होगा 3। अगला सवाल क्या है? पेरिस क्लब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पेरिस क्लब, तो इसमें 22 स्थायी सदस्य है। पेरिस क्लब में 22, अभी चर्चा में रहा था पेरिस क्लब, इस वजह से हमें ध्यान देना जरूरी है। तो पेरिस क्लब में कितने सदस्य है? 22 स्थायी सदस्य है, बिल्कुल राइट है। सत्य कथन देखना है, भारत इसका मेंबर है क्या? पेरिस क्लब का भारत मेंबर है क्या? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, भारत और चीन दोनों इसके पेरिस क्लब के सदस्य नहीं है। पेरिस क्लब वो है एक 22 सदस्यों का एक इस तरीके का अनौपचारिक संगठन है, जिसके माध्यम से ये देखा जाता है कि किसी देश को आर्थिक संकट है या भुगतान संकट आ गया कुछ, तो उसको एक तरीके से वो ऋण की सहायता उपलब्ध कराते हैं। तो ये है पेरिस क्लब, जिसमें 22 सदस्य हैं, भारत इसका मेंबर नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1, यस, केवल कथन 1 सही है, क्योंकि भारत इसका मेंबर नहीं है। अब देखते हैं क्या है पेरिस क्लब, कब स्थापित हुआ था। पेरिस क्लब कर्जदाता देशों का एक अनौपचारिक संगठन है। कर्जदाता मतलब दूसरे देश, जो जिसको भी जरूरत हो उनको ऋण देता है, कर्ज देता है। इसका उद्देश्य कर्जदार देशों की भुगतान समस्याओं का समाधान करना है। वर्तमान में 22 सदस्य देश इसके सदस्य हैं, भारत और चीन इसके दोनों इसके सदस्य नहीं है, ध्यान में रखना आपको, नहीं है। हाल ही में ये क्लब इस वजह से चर्चा में रहा कि श्रीलंका में ऋण संकट से उबारने में मदद करेगा, तो पेरिस क्लब के लोग जो देश हैं मेंबर हैं वो श्रीलंका को एक ऋण सहायता देंगे, तो श्रीलंका ऋण संकट से उबारने में मदद करने की घोषणा की है इस क्लब ने। क्लियर? निम्न में से दार अस्सलाम घोषणा पत्र है, ये एक इंटरनेशनल घोषणा पत्र है, तो इस घोषणा पत्र का संबंध निम्न में किससे है? आतंकवाद से मुक्ति के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, व्यापार से संबंधित, या बच्चों में एड्स उन्मूलन के लिए? तो इसका राइट आंसर है बच्चों में एड्स का उन्मूलन करने के लिए ये घोषणा पत्र दार उल सलाम घोषणा पत्र जारी हुआ है, और ये लक्ष्य रखा है कि 2030 तक बच्चों में एड्स है उसका उन्मूलन कर दिया जाएगा। तो ध्यान में रखना, इस पैटर्न के कोई भी, मान लो
बार्सिलोना घोषणा पत्र या कोई और घोषणा पत्र किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हमें ध्यान में रखना है ये चीज कि इसका संबंध किससे है। तो दारुल इस्लाम का संबंध है कि ये घोषणा पत्र बच्चों में एड्स उन्मूलन से संबंधित एक घोषणा पत्र है। क्लियर। बाल मित्र निम्न में से क्या है? अभी चर्चा में बाल मित्र रहा था, तो ये क्या है? एक रोबोट, एक चैटबॉट, एक पुलिस दल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये एक चैटबॉट है। दिल्ली में जो दिल्ली बाल संरक्षण आयोग है उसने एक बाल मित्र नाम से एक चैटबॉट, व्हाट्सएप चैटबॉट है, वो विकसित किए हैं। तो एक क्या है, देखो व्हाट्सएप चैटबॉट है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में एक बाल मित्र नाम का जो व्हाट्सएप चैटबॉट है इसको लॉन्च किया है। अगला सवाल है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। लघु उपग्रह SSLV, PSLV नाम ध्यान सुना है आपने, GSLV सुना है, उसी तरीके से है SSLV, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। अभी हाल ही में इसरो ने इसको लॉन्च किया था, यद्यपि विफल हो गया, फिर से करेंगे। ध्यान में रखना है इनमें किन कथनों पर विचार करना है। यह तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, बिल्कुल सही है। ये SSLV तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसे इसरो के मिनी माइक्रो नैनो उपग्रहों के लिए लॉन्च किया गया है। ऐसे लॉन्च ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के रूप में इसको डिजाइन किया गया है SSLV को, बिल्कुल राइट है। तो इसमें क्या बताना है, दोनों कथन अपने सही है। SSLV तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान है और इसरो ने इसे माइक्रो नैनो मिनी हर तरीके का जो भी एक लॉन्च पैड के रूप में इसको डिजाइन किया, कथन सही है दोनों। अब सवाल क्या है, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत तो दोनों में से कोई भी नहीं है, है ना। तो ये भी सवाल करने का एक तरीका होता है कि आप ध्यान दो कि सही नहीं पूछा, आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, आपको कौन सा कथन गलत है। तो गलत कौन से हैं, तो गलत इसमें से कोई नहीं है, तो हम क्या बताएंगे, इसका आंसर क्या देंगे, डी। यानी हमारा आंसर होगा ना एक और ना दो, मतलब दोनों कथन अपने सही है। क्लियर। अगला सवाल है स्काई होक निम्न में से क्या है? पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या जेट विमान। तो ये ड्रोन है, एक स्काई होक स्टार्टअप फर्म है, एक IG ड्रोन्स, उसने हाल ही में भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है वो तैयार किया है, उसका नाम रखा है स्काई होक। तो ये क्या है, भारत का 5G सक्षम ड्रोन है, जो एक स्टार्टअप कंपनी है IG ड्रोन्स ने अभी हाल ही में इसको तैयार किया है, उसका नाम रखा है स्काई होक। ट्रांजिटिक एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट, ये चर्चा में रहता है, बहुत बार सुना होगा आपने ट्रांजिटिक एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट, जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, इसका संबंध निम्न में किससे है? ये इसरो का है, नासा का है, या फिर नासा इसरो या यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है, या रोस कॉस्मोस है? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ट्रांजिटिक एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट है क्या, ये एक नासा का सैटेलाइट है। सबसे पहले तो इसको ये ध्यान दो, किसका, नासा, है ना, जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है उनका है। तो ये नासा का एक मिशन है जो विगत 2 वर्षों से ऑल स्काई सर्वे के माध्यम से जो एक्सोप्लैनेट है, यानी पृथ्वी जैसे कोई और प्लेनेट है क्या, उसकी खोज में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चर्चा में है, तो ऑल स्काई सर्वे कर रहा है, ये नासा का एक मिशन है, तो आपको पता होना चाहिए। टेस्ट जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिक एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट। पीएम कुसुम योजना चर्चा में है, पीएम कुसुम योजना हमेशा रहती है, देखते हैं पीएम कुसुम योजना की शुरुआत निम्न में से कब की गई थी, 2015, 2018, 2019 या 2020। तो इसका राइट आंसर है 2019, पीएम प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2019 से की गई थी, जिसकी पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, आपको बताना चाहिए। और इसका सिंपल सा उद्देश्य था कि किसानों को उनकी जो शुष्क भूमि, बंजर भूमि है, वहाँ पर सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित, अपना सौर ऊर्जा जो भी प्लांट है वो लगाई, सरकार उसमें अनुदान देती है, और अगर एक्स्ट्रा कोई बिजली बच रही है तो वो किसान किसी कंपनी है उसको बेच भी सकता है, तो उसे आमदनी, उसके आय में भी वृद्धि होगी, और साथ में शुष्क जो पड़ी भूमि है, बंजर भूमि है, शुष्क भूमि है, उसका सही से यूज हो पाएगा। तो भारत सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान ने इसकी शुरुआत की थी। अब चर्चा में इस वजह से कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट में बोला भी पीएम जो कुसुम योजना है उसको मार्च 20 तक बढ़ा दिया। ठीक है, इसकी अवधि कब तक बढ़ा दी, मार्च 2026 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बहुत बार मैंने पढ़ाया आपको, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका एक नया मेंबर बना है, है ना, तो वो किसे बनाया गया है, ये पूछ रहा सवाल, डेनमार्क को, कांगो को, दक्षिण अफ्रीका या ईरान को। तो इसका राइट आंसर होगा कांगो।
जो कांगो कंट्री है उसको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया मेंबर बनाया गया है। अब देखते हैं 2015 में जब कोप का सम्मेलन हो रहा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ जो मीटिंग हो रही थी 21वीं में, उसमें भारत और फ्रांस ने ये अपना जो आइडिया है ये पेश किया था, जिसको नाम दिया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अब फिर आगे जाके ये अंतर सरकारी संगठन बन गया, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड होना चाहिए, ये लागू करने वाली केंद्रीय एजेंसी है ये अपना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इसका सचिवालय बनाया गया हरियाणा के गुरुग्राम में, इसका सचिवालय है। ये भी आपके सवाल आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका मुख्यालय निम्न में कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया गुरुग्राम हरियाणा में। टूवर्ड्स आधार रणनीति है, ये भी सवाल आ सकता है कि किस गठबंधन से संबंधित है ये टूवर्ड्स जो 1000 ये रणनीति है, इसका संबंध किस गठबंधन से है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित है। इसमें जितने भी लक्ष्य रखे गए 1000 के करीब रखे गए, चाहे वो उसमें फंड है, इन्वेस्टमेंट करना है या उत्पादन करना है सौर ऊर्जा का सब, तो वो आप सब देखना। टूवर्ड्स 1000 रणनीति किस से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित ये रणनीति है। हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड हॉकी कप जीता? पुरुष, यार मैंने लगाना छोड़ भूल गई थी, सवाल में लगाना है हाल ही में किस देश ने पुरुष वर्ल्ड हॉकी कप जीता। मेल का हो रहा था ना वर्ल्ड हॉकी कप, और कहाँ पर हो रहा था? उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में हो रहा था। वो किसने जीता है? भारत ने नहीं, भारत में तो आयोजित हुआ, जर्मनी, बेल्जियम या नीदरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा जो हाल ही में पुरुष वर्ल्ड हॉकी कप हुआ है तो उसमें जर्मनी जीता है, विजेता रही है। और किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर पुरुष वर्ल्ड हॉकी कप का खिताब जीता है। उड़ीसा में ये पुरुष हॉकी कप है, उसका आयोजन किया गया था उड़ीसा के राउरकेला में। क्लियर। 18वीं जम्बूरी हो रही थी, राष्ट्रीय जम्बूरी रोहटपाली में हो रही थी। अब ये सवाल पूछा है, ये तो पहले देख लिया हमने कहाँ इसका आयोजन हुआ, अब सवाल में ये 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? गुजरात को, कर्नाटका को, पंजाब या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब है वो सबसे ज़्यादा किसने जीते पुरस्कार? राजस्थान ने। 22वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया, 22वां सवाल आपका सवाल नंबर है 22, और 8वां ये महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड निम्न में किसे दिया गया था? अनंत कुमार, के सचिदानंद, कृष्ण कुमार, विश्वेश्वर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड है वो जो लिटरेचर जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा था उसमें दिया गया के सचिदानंद को। 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड किसको दिया गया? के सचिदानंद को। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में किसके द्वारा की गई थी? ये चर्चा में रविंद्रनाथ टैगोर ने, अरविंद घोष, डॉक्टर राधाकृष्णन, सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में, याद रखना कब, 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी। हाल ही में इसको ये बोले हैं कि यूनेस्को के स्थल के रूप में शामिल करने की बात चल रही है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये चर्चा में इस वजह से है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और कब की थी? 1921 में की थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत सरकार जो ऑनलाइन कंटेंट है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब का है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का है, है ना। तो किस धारा के तहत सरकार ऑनलाइन कंटेंट पर प्रतिबंध लगा सकती है? धारा 61A, 69A, 73A या 79A? तो इसका राइट आंसर होगा 69A धारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2000 के तहत सरकार को ये लगे कि कुछ इस तरीके का ऑनलाइन कंटेंट है जो भारत की प्रभुता, भारत की अखंडता या भारत की लोकहित, लोक व्यवस्था है या कुछ और टर्म्स है उनको नुकसान पहुंचा रही है, तो सरकार इस तरीके का कंटेंट या इस तरीके की ऐप है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। अभी कुछ चीनी ऐप्स थे उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाई है, तो हमेशा चर्चा में रहने वाली धारा है, हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी धारा है, 69A है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा। यही सेम बोला है, देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ हमारी मैत्रीपूर्ण संबंध है उस पर कुछ फर्क पड़ रहा है, या लोक व्यवस्था बनाए रखनी है, तो सरकार किसी भी तरीके की ऑनलाइन कंटेंट या एप्स हैं इन पर इस धारा के तहत प्रतिबंध लगा सकती है। क्लियर। लास्ट सवाल अपना क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नाम सुना होगा, इसकी शुरुआत कब की गई थी? अब यह चर्चा में है तो हमें फिर से पढ़ना पड़ता है, यही तो करंट अफेयर होता है। और करंट अफेयर क्या होता है? कोई योजना है वो चर्चा में है,
चली 2015-18-19 तब भी चली, पर सरकार ने अभी उसको या तो फंड दिया है या आगे उसकी राशि बढ़ाई है या आगे अपना टारगेट है वो बढ़ाया है, तो हमें फिर पूरी योजना है या पूरा जो भी कंटेंट है वो ध्यान में रखना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 14, 2015, 2016 या 17। तो इसका राइट आंसर होगा पीएम जो मुद्रा योजना की शुरुआत कभी 2015 में भी थी। कब? 2015, याद कर लो। तो पीएम एमवाई की शुरुआत भारत सरकार की है, सेंट्रल सरकार की योजना है, क्योंकि पीएम आ गया इसका मतलब क्या हो गया? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो वो किसकी होगी? केंद्र सरकार की योजना होगी। ये तो क्लियर हुआ। इसमें भारत सरकार 2015 में इसको लॉन्च किया था। इसके तहत क्या है, जो भी लघु व्यवसाय कर रहा है कोई भी मुद्रा योजना, तो लघु व्यवसायी उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है इस पीएम मुद्रा योजना के तहत। ठीक है, अब ये बोला गया है, अभी चर्चा में क्यों है कि अभी जो एक रिपोर्ट आई है उसमें ये बोला है कि इस योजना के तहत जो संस्थागत ऋण दिया जाता है वो बहुत ज्यादा दिया गया है, काफी इससे लाभ हुआ है, लोगों को लाभान्वित किया है, तो इस वजह से ये चर्चा में है। अब इस 10 लाख रुपए तक का जो संस्थागत ऋण लघु उद्यमियों को दिया जाता है उसके तहत भी कैटेगरी होती है, तो वो कैटेगरी भी हम ध्यान में रखते हैं। तो इसके तहत तीन तरीके के ऋण दिए जाते हैं। एक तो होता है शिशु ऋण, ठीक है, वो तो 50,000 रुपए तक का जो ऋण दिया जाता है वो क्या कहलाता है? शिशु कहलाता है। किशोर जो 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का कोई भी उद्यमी है, छोटा उद्यमी, उसको ऋण दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? अपना किशोर कहलाता है। याद रखनी है कैटेगरी भी हमको याद रखनी है, प्लस कितना फंड दिया जाता है वो भी हमको ध्यान में रखना है। तरुण 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक के बीच की जो ऋण सीमा है वो क्या कहलाती है? तरुण कहलाती है। ये आरएस मेंस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए तो है ही है। तो हमें ध्यान में रखना है कि टोटल 10 लाख रुपए तक का संस्थागत ऋण पीएम जो एमवाई है उसके तहत दिया जाता है। 2015 में लॉन्च की गई ये योजना है। तीन कैटेगरी में ऋण दिए जाते हैं जिसके तहत शिशु, किशोर और तरुण, ये तीन कैटेगरी है अपनी। शिशु के तहत जो ऋण की राशि सीमा है वो है 50,000 रुपए तक का ऋण, किशोर के तहत 50 से लेके 5 लाख रुपए तक का ऋण, और तरुण 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक के बीच की जो ऋण सीमा है वो तरुण है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। करंट अफेयर नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। ये अपनी क्लासेस चल रही हैं, इसके अलावा आरएस फाउंडेशन बैच है वो भी चल रहा है, तो आप वहाँ भी इनरोल हो सकते हो। वो जो ईयू की टेस्ट सीरीज है, बी ओ की एग्जाम आने वाली है, तो वो जो यू आर ओ की टेस्ट सीरीज है वो 19 फेब से अपनी स्टार्ट हो रही है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेज अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इनको लाइक कीजिए, कमेंट, अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए या कुछ और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक्स।